नमस्कार, आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। ज्येष्ठा वट पूर्णिमा व्रत कथा। मध्य देश में अश्वप के नाम के धर्मा का राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने दिमत सिंह के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु हैं, एक वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति रूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो है पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंग प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायण, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो उस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वे उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और खोया हुआ राज्य वापस मिल। आरती श्री सत्यनारायण जी की। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे, जय स्वामी लक्ष्मी रमणा। प्रगट भए कलिकारण बीज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, जय स्वामी लक्ष्मी रमणा। दुर्बल बिल कथारो इन पर कृपा करी, चंद्रचूर एक राजा जिनकी विपति हरी, जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी, जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी तीनों को काज सर्यो, जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ग प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, जय लक्ष्मी रमणा।
श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वंचित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।